like, subscribe and press the bell icon for the notification. Assalamualaikum my social media family, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. तो आज मैं रुबाब की पुरजोश फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ पास्ता. तो चलें स्टार्ट करते हैं पास्ता बनाना. व्हाइट सॉस पास्ता के लिए आप एल्बो मैक्रोनी ले लें या पैनी ले लें, आपकी मर्जी है, आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो ले सकते हैं. इसके अलावा हमें चाहिए होंगी सब्जियाँ. सब्जी में मैं एक गाजर ले रही हूँ, दो हरी प्याज, शिमला मिर्ची एक, और ये इतनी बड़ी बंद गोभी नहीं लूँगी मैं, इसको कट कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें से यूज़ करूँगी, तकरीबन हाफ कप जो है वो. अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे. व्हाइट सॉस के लिए मैं एक चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, पहले एक चम्मच ही बटर ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच मक्खन डाल दिया मैंने इसमें.
बटर मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें हाफ टीस्पून ओरिगेनो लीव्स ऐड कर रही हूँ। अब ये लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था ये भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। इसको एक मिनट तक भून लेंगे। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून क्रश्ड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अब 2 टेबल स्पून मैदा लिया है मैंने, ये डालकर इसको भून लूंगी। मैदा मैंने भून लिया है, अब मैं इसमें 2 कप दूध के डालूंगी। दो कप दूध मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 कप और ऐड कर दिया, यानी 3 कप दूध मैंने इसमें डाला है। अब इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून ऐड कर दूंगी और अब इसको इतना पकाएंगे कि ये थिक हो जाए। चम्मच हिलाते रहिएगा वरना ये पैंदे में लग भी सकती है। जी तो सॉस थिक भी हो गई है और बॉयल भी हो गई है। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। मैक्रोनी मैंने ऐड कर दी, अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब वेजिटेबल्स भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें, जो हमने रेडी करके रखी है पहले से, ये देखिए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जी तो व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। पास्ता मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करूंगी। जी तो मज़ेदार सा व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहे तो आप इसमें चीज़ और क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ और क्रीम ऐड करने से पास्ता बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप चीज़ उस टाइम पे ऐड कीजिएगा जब व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तब आप 1/2 कप चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको पास्ता टेस्ट करके बताती हूँ। Look at the colors. It's delicious. ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दें, उससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।